नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रोडक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंट सर्विस लिमिटेड मतलब TCS में TCS शेयर्स की, जो कि अगर अभी नेगेटिविटी चल रही है, माइनस पॉइंट में है, 1.26% माइनस में है शेयर, और इसका करंट प्राइस अभी प्रेजेंट टाइम में 3,382 रुपये है। और शेयर में एक अच्छी खासी क्वान्टिटी देखने को मिल रही है, और शेयर्स का हाई लेवल रहा है आज का 3,407 रुपये, और लोवेस्ट देखने को मिलेगा 3,368 रुपये। और वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर में बहुत अच्छी वॉल्यूम अच्छी देखने को मिल रहा है। जिस शेयर में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, जिस शेयर में वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता है यदि, तो शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ 52 वीक्स के अंदर शेयर्स के अंदर हाईएस्ट लोवेस्ट देखने को मिला है 2,926 रुपये, और 52 वीक्स के अंदर हाईएस्ट देखने को मिला है शेयर्स का प्राइस 4,043 रुपये, जो कि एक अच्छी लेवल पे है। यदि 52 वीक्स के हिसाब से 4,443 रुपये है, तो यदि शेयर्स का टारगेट अपन लेके चले तो 3,500 रुपये, 3,500 अपन इसका शेयर्स का टारगेट लेके चलते हैं, तो ये अपने टारगेट को जरूर अचीव करेगा। यदि लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको खरीद रखा है, शेयर्स को बाय कर रखा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयर ओपन हुआ था 3,400 पे, जो कि अभी माइनस में चला गया, तो आप इस तरह से कंफ्यूज मत होना कि शेयर जो कि शेयर है ना, जो कि माइनस में चल रहा है, उसके बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। शेयर बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, आप नेगेटिविटी मत लेके आइए। और हम एक अच्छे टेक्निकल के ऐसे अच्छे प्रोडक्शन के साथ आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते हैं, और आप यदि हमारे वीडियो को देख कर किसी चैनल शेयर्स को बाय मत कीजिएगा, आपको भी कुछ शेयर की जानकारी होनी चाहिए। तो क्या शेयर की टेक्निकल हिसाब से देखें तो कि पॉजिटिविटी देखने को मिडली पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन के हिसाब से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है मिडली, और इधर टेक्निकल के हिसाब से देखें इसको शेयर को, तो ये कि नेचुरल्स ब्रीफ में भी दिखा रहा है, क्योंकि अभी नेगेटिव चल रहा है तो ब्रीफ में दिखाएगा, और आने वाले समय में बुलिश करके शेयर होगा, शेयर में बुलिश जरूर आएगा। और डिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से देखें तो ये भी S1 पे है। यदि शेयर्स R1 पे आता है, और यदि R1 से R2 पे जाता है शेयर, तो बेसिकली R2 पे जाने पर इसको 3,541 रुपये पर शेयर पहुंचेगा, ये एक टेक्निकली रिपोर्ट अपने को दिखा रहा है। और यदि इसको फंडामेंटली क्लियर करें अपन, तो क्वालिटी करके एक्सेलेंट शेयर, मतलब शेयर्स की क्वालिटी जो है वो एक्सेलेंट है बिल्कुल, मतलब कोई कंपनी में कोई किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी तरह का कोई वर्ड नहीं है। ये जो गिरावट देखने को मिली, आप मार्केट के हिसाब से गिरावट देखने को मिली, मार्केट में अभी के समय सेंसेक्स और निफ्टी के गिरने के चांसेस है, इसलिए इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। जो और एक लार्जेस्ट कंपनी है ना IT सॉफ्टवेयर सेक्टर्स के अंदर, ये IT सॉफ्टवेयर कंपनी है और कंसल्टेंसी कंपनी एक, और रिलेशन के हिसाब से कंपेंसेंसी हुआ, क्योंकि नेगेटिविटी है अभी, तो फ्लेशन हिसाब से कंसेंसिव एक्सपेंसिव जरूर होगी। और फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से पॉजिटिविटी शेयर है, पॉजिटिव शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है शेयर के अंदर। स्टॉक्स के अंदर 1 ईयर के अंदर इसने माइनस पॉइंट में रिटर्न दिया है, और यदि सेंसेक्स की बात करें तो 10% का साथ इसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है। यदि कंपनी के इंडस्ट्री की बात करें, तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कंसल्टेंसी का काम करती है। इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 12,33,630 रुपये, 30 करोड़ रुपये इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो देखा जाए तो 31.64 रुपये है, और डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवाती है 1.32%, जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी में माइनस पॉइंट पे जाने पर भी कंपनी एक आपको, यदि इस शेयर को आपने बाय कर रखा है, तो एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिलेगा बोनस के रूप में। पी रेशियो देखा जाए तो इसका 31.34 है,
और शेयर में अभी जो की है मिडली गिरावट देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे प्रमोटर शेयर्स की बात करें तो 72.30%, यानी शेयर्स में अभी बढ़ोतरी हो सकती है। और यदि शेयर में विदेशी निवेश होने की ज़्यादा संभावना, जैसे कि न्यूज़ में देखा जा रहा है G20 देशों की भी मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग का भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो म्यूचुअल फंड के पास इसके जो शेयर होल्डिंग है वो 3.34% है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.13% इसकी कंपनी है, मतलब शेयर होल्डिंग है। और पब्लिक सेक्टर की बात करें यहाँ पे तो 6.07% शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर के पास है, जो कि एक कंपनी के एवरेज के हिसाब से सही है। और यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 72% शेयर होल्डिंग है। तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा वो मिल सकता है, मतलब अच्छा शेयर्स के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा अचीव टारगेट अचीव कर सकता है। ये 3,500 के लगभग का टारगेट इसको है। तो ये जो भी ब्रोकर्स है, शेयर ब्रोकर्स है, उन्होंने इसको 3,500 का टारगेट, मतलब 3,500 के लगभग इसने इस शेयर्स को टारगेट दिया है कि हाँ ये इतना अचीव करेगा। चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं अपन एक बार, तो अपन को अच्छा क्लियर हो जाएगा। शेयर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, अक्टूबर में गिरावट के बाद कुछ कंसल्टेंट होके कुछ कंसल्टेंट होकर के धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शेयर में आपको 350 तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शेयर इस जगह से पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, प्रॉपर इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो शेयर्स इस लेवल से यदि बढ़ेगा, यदि वापस कंसोलिडेट होके इस लेवल पे आता है, इतनी दूरी पे आता है वापस, और इतनी दूरी से वापस अप होता है, तो कन्फर्म है कि शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और एक आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ये था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं आप हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।